तो झारखंड में भी तो घुटने पर ला दिया ना अपने सहयोगी को बीजेपी, कहाँ सम्मान मिला। तो जेडीयू जो यहाँ बड़ा भाई बनती थी, झारखंड में उनको बता दिया, बिहार की 14 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि हम तेजस्वी यादव जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। बिहार में 400 सीट ऊपर उपचुनाव होने हैं, बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट फाइनल कर दी है, आप लोग कब कर रहे हैं? हमारे चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द होने जा रहा है, और जिनको चुनाव लड़ना है वो वहाँ तैयारी कर रहे हैं। चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है, और जनता तेजस्वी यादव जी के मॉडल के साथ है, जिसमें पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात हो रही है, रोजगार मॉडल की बात हो रही है। बीजेपी के जो दो कैंडिडेट हैं अशोक सिंह और तरारी से सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। भाई देखिए, बीजेपी को कौन, बीजेपी से कौन उम्मीदवार होते हैं कौन उम्मीदवार नहीं होते हैं, इससे हमारा कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे, हम भी अपना उम्मीदवार देंगे, जनता तय करेगी। जनता ने मन बना लिया है कि हम तेजस्वी यादव जी के उम्मीदवार को, महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देंगे, वो चुनाव परिणाम में दिखेगा। झारखंड में भी जेडीयू और एलजेपी को वहाँ पर सीट दिया गया है, आप लोग का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। झारखंड में तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को तो एक भी सीट नहीं दिया, और 2 सीट जेडीयू को दिया, 1 सीट दिया श्री चिराग पासवान जी को। तो झारखंड में भी तो घुटने पर ला दिया ना अपने सहयोगी को बीजेपी, कहाँ सम्मान मिला। तो जेडीयू जो यहाँ बड़ा भाई बनती थी, झारखंड में उनको बता दिया हैसियत बीजेपी। आरसीपी सिंह बीजेपी छोड़ रहे हैं, नई पार्टी गठन करने वाले हैं। देखिए, सब लोगों को पार्टी बनाने का अधिकार है लोकतंत्र में, हजारों पार्टियां बनी हुई हैं, बहुत सारे तो पार्टी बना रहे हैं, तो ठीक है वो उनका फैसला है। इसमें बीजेपी जेडीयू से बीजेपी में गए, बीजेपी छोड़ा उन्होंने, तो बीजेपी में तो जो जा रहे हैं वो छोड़ करके आ रहे हैं, अपना पार्टी बना रहे हैं, अब उनका निर्णय है वो पार्टी बनाए। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, इसलिए हमने निर्णय लिया है पार्टी बनाने का। अरे देखिए, पार्टी हमने कहा लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, जनता के बीच में जाने का, तो जो पार्टी बनाया जा रहा है उनके द्वारा, इसमें क्या परेशानी? क्या जमीन पर उनका जो सियासी दबदबा है? अब ये तो पता चलेगा जब चुनाव मैदान में जाएंगे, तब पता चलेगा कि उनका क्या दबदबा है, क्या जनता का समर्थन है। बिहार की 14 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि हम तेजस्वी यादव जी के साथ रहेंगे, तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल, इसको में इतना ही, आप बने रहें निज फाउंडेशन के साथ।